मैं हूँ विवेक, स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट, और मैं बात करूंगा 2025 में जो बच्चे जो अभी 11th में हैं, एडमिशन लिया है नीट, आईआईटी, जेई, और मैं इसमें ऐड करूंगा एनडीए। मेरा प्यारा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट है एनडीए, और मैं आपको गारंटी बोलता हूँ आप पास हो सकते हो। रोड मैप को फॉलो करो। एक्सक्यूज मी, अब मैं शुरू करता हूँ। देखो, पहली बात तो आपको सिलेबस 11th 12th का दोनों इसी साल पूरा करना है, जब आप 12th में नहीं 11th में हैं। ये सच है। 24 महीने को आप डिवाइड करिए 3 पार्ट में, 8 महीने में आपको सिलेबस ख़त्म करना है, करना है, करना है। और रीडिंग बहुत पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिमाग का गेम होता है कि अरे हार्ड है, बाद में पढ़ेंगे, हम छोटे हैं, कुछ नहीं। आप आराम से ख़त्म कर सकते हो, दिवाली के पहले कर सकते हो, नहीं हुआ तो 1 महीना और लगाओ। लेकिन 2023 को जाने मत देना भाई, क्योंकि वो ही एक मेन चीज़ है। अब मैंने एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था एज अ कंसल्टेंट, जहाँ मैं 3 4 साल से रहा, और अब मैं पिछले 2 3 महीने से छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ पूरे मुंबई में, और बहुत ही फनी चीज़ें मालूम पड़ रही हैं। मतलब स्टूडेंट्स पास क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज घमंड है, पैसे का घमंड है। और कुछ जगह तो क्लासेस में ये है कि क्लासेस वाले भी यहाँ पे, इस मेरे शहर में क्या पता मालूम, पता है यहाँ पे ना ये एंट्रेंस का माहौल उतना अच्छा नहीं है। मतलब अभी नया नया आया है, तो ये क्लासेस वाले भी खुद जानते नहीं क्या कैसे, मुझे पूछते हैं, बोलते हैं कैसे करना है ना, पहले पढ़ाई करा दो, बोर्ड करा दो, उसके बाद थोड़ा एमसीक्यू करा देंगे, हो गया एंट्रेंस में। ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ पे टीचर पाल रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग टीचर बने हुए हैं जो मतलब जिन्होंने कभी एग्जाम ही नहीं दिए हैं। वाह, अजीब बात है, जिसने कभी नीट एग्जाम नहीं दी वो मास्टर बन जाता है यहाँ पे, और कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, और ये स्टूडेंट्स को भी इन्होंने पाल के रखा हुआ है, एकदम कम कम फीस में रखा हुआ है, और बढ़ा चढ़ा के। एक टीचर को बुलाएंगे, एमएससी वाले को पकड़ के, फ्रेशर को बोलते हैं कि डेमो ले लो, अच्छे से पढ़ाएंगे तुम्हें। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। भाई आप आईआईटी पढ़ा रहे हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स खुश, स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट ने अपने अपने ऑरा बना के रखे हुए हैं, और ये कोचिंग वाला कुछ जानता है नहीं, वो बच्चों से पूछता है कैसा लगा डेमो। अरे भाई, अब बड़े बड़े टीचर नहीं है अपने इधर, खान सर है, अवध ओझा सर है, ऐसे बड़े बड़े सर। अब वो लोग आएंगे तो क्या आप उनका डेमो सीखे इसके बेसिस पे? वो जो बोलेंगे आपको मानना है, खत्म बात। डेमो वेमो क्या होता है, स्टूडेंट की फीडबैक क्या हो? 15 16 साल का बच्चा आपको क्या क्या जान पाएगा वो? गुरु को गुरु मानो, बात खत्म करो, शुरू करो। यहाँ तो बस ये मतलब छोटी छोटी चीज़ों में रह जाते हो, इन चीज़ों से बचना है आपको। क्लास में एक कोचिंग वालों को पता नहीं है क्या करना है, रोड मैप उनका है नहीं। अभी क्लास में गया था 11th में, वो फिजिक्स में 11th के 3 चैप्टर हो चुके हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं कराए। एक क्लास में गया था, वो दो लड़कियां वो, और एक क्लास में एक लड़का था, बहुत घमंडी थे वो, पूरा क्लास कंट्रोल करते थे, वही फीडबैक देते थे। पढ़ाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिक्स। अरे भैया आप ट्रिक्स पे ध्यान दो, आप मोबाइल बोलते हैं लोग डिस्ट्रैक्शन है, मैं कहता हूँ इंसान डिस्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे बॉम्बे में तो मैंने ये देखा हुआ है कि यहाँ पे ये कोचिंग क्लासेस वालों ने जो ग्रूमिंग करके रखी हुई कि मेरा पैसा ना वेस्ट हो जाए, बच्चे विद्रोह ना कर दें, बच्चे ये ना कर दें, ये ना बोले कि कुछ पढ़ाते नहीं हो, तो अब टीचर्स बदलते रहते हैं लोग, तब बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। अब बच्चे जानते नहीं है कि एग्जाम कैसे पास होनी, ये बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि भाई रेडीमेड चीज़ मिलेगी, एंट्रेंस में तो नया ही नया आएगा। तो ये, और दूसरी बात, सिलेबस ख़त्म करवा दो फिर एमसीक्यू करवा दो, ऐसा नहीं होता। आपको पहले दिन से तय करना है, या आप बोर्ड कर रहे हैं या आप एंट्रेंस कर रहे हैं, दोनों चीज़ साथ में नहीं होती, दोनों अलग ही है। मेरा डायलॉग है कि बॉयज़ के बॉल हैंडल करना वो बोर्ड एग्जाम है, गर्ल्स के बाल हैंडल करना कितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो है एंट्रेंस एग्जाम। तो 11th से आप पहले हफ्ते से तय कर लो, क्योंकि 20 से 25 हफ्ते महीने जाते ही हैं तैयारी में एंट्रेंस के। 2 साल पहले 8 महीने आपको पूरा का पूरा सिलेबस रीड करना है, रीड करना है, जितना समझे समझा, नहीं समझे नहीं समझा, लेकिन आराम से हो जाता है रीड। 11th का 12th का एक मान के चलिए, ये मत समझना कि 11th का सिलेबस अलग है 12th का सिलेबस अलग है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैं हैंड राइटिंग से आपकी क्वालिटीज चेक करता हूँ, पहले वो करवा लूँ कि हाँ क्या क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, क्या आपकी अच्छाइयाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं। पढ़ने का शेड्यूल बनाओ, खाना पीना बहुत ज़रूरी, डाइटिशियन हूँ मैं, आपको बताऊँगा डाइट क्या, डाइट से कितना असर पड़ता है। मैंने वड़ा पाव खाया था, हमारे यहाँ बॉम्बे में चलते हैं वो, आलू बड़े मिलते हैं और पाव मिलता है, तो खाया था वेनेसडे को, संडे को एग्ज़ाम ख़राब हुई। भाई ये फ़र्क पड़ता है, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है आपको।
दिन भर कैसे मेंटेन रखना, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आप नींद पूरी लो तो पूरी नींद बहुत ज़रूरी है, मतलब कुंभ के सर सो और पढ़ो भी एकदम भगवान राम की तरह, वैसा होता है, खाओ पढ़ो सो, तीन ही काम होता है विद्यार्थी को। फिर आप उसे मोबाइल ले आओ और इंस्टाग्राम अकाउंट बना लो, मतलब सबको पता है कि वो गेमिंग कर लो, नहीं हो पाता है ना, आपके दिमाग का लेवल भी चेक करना पड़ता है, और आपके याद, हाँ बाय हार्ट क्यों करते हो भाई। एक क्लास में मैं गया था, मतलब आपको क्लासेस की स्टोरी, मतलब वो ना पूरा रोड मैप समझ में आ जाएगा। एक क्लास में गया था, फर्स्ट लेक्चर लिया, अब मैंने क्लास क्लियर कि वो भाई उस लेक्चर में 134 134 हार्ड वर्ड्स की लिस्ट है जो कंफ्यूजिंग है, जो एग्जाम में आएगा, मुझे पता है नीट पे क्या आने वाला। अब वहाँ गया और वो मतलब यार इतना सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है बच्चों को, कि अब स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि पहले हफ्ते मुझे ये सिखाना है, सेकेंड हफ्ते ये सिखाना है, अब मैं तुम्हारे डेमो के चक्कर में थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी बदलने वाला हूँ, कि बस तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए, स्लोली पढ़ाओ, एक दिन में सिर्फ एक पैराग्राफ पूरा करो। अरे भाई इतना नहीं चलता है, आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, एक एक वर्ड। हाँ एक क्लास में गया, वहाँ बोलते हैं कि बच्चे बोल रहे हैं कि आप वर्ड टू वर्ड रीडिंग कराते हो, लो कर लो बात, सत्यानाश कर रहा है वो इंसान अपने क्लास वालों, खुद के बच्चों का। अरे भाई वर्ड टू वर्ड रीडिंग इसलिए करवानी पड़ती है क्योंकि हमारे शहर में क्या है ना, ये वर्ड का मीनिंग आता ही नहीं, एक एक वर्ड ऐसे लग रहा है कि फिफ्थ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। डिवीजन सिखाता हूँ मैं 12th में, आपको विश्वास नहीं होगा, फ्रैक्शन सिखाता हूँ 11th 12th में फिजिक्स के नाम पे, आता ही नहीं बच्चों को। तो आपको नहीं आता तो ये आप मानिए कि कोई बात नहीं, 10 साल नहीं आता, अब तो करिए, एक एक वर्ड का मीनिंग निकालिए। मैं बताता हूँ, डिक्शनरी मैं बनवाता हूँ, डिक्शनरी बनाओ रोज करो। फिर मैंने बताया रोज का डेली प्रैक्टिस, वो सुबह उठ के मैंने डाला हुआ है अपने अपने चैनल पर डाला हुआ है, डेली प्रैक्टिस करो रोज रोज करो। और ये यूट्यूब के वीडियोज भाई, मैंने यूट्यूब है ना एक नया बच्चा है, इसमें क्या हुआ, बड़े अजीब अजीब लोग भी अपना वीडियो डालते हैं। एक मैडम है एकदम फीमेल स्टाइल में सिखाती है, और ऐसे सिखा रही है जैसे बाय हार्ट ही करवाना है। भाई बच्चे की प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम बायो के में एक्सपर्ट हो, कि तुम फिजिक्स के एक्सपर्ट हो, और तुम केमिस्ट्री के हो, ठीक है अच्छी बात है भाई, आपका नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट को तो तीनों करने हैं, ये कौन बताएगा कि तीनों साथ में कैसे करने हैं, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दो इसका हल हो मेरे भाई, मैं बताता हूँ। देखो उसमें ऐसा होता है कि एक एक वर्ड का ही स्ट्रेटेजी आपके पास, बुक बनी है, ये बुक क्या है, अब ये बुक है, ये बनी है पेजेस से, ठीक है ना, अब ये पेज बना है पैराग्राफ से, ये पैराग्राफ बना है लाइन से, लाइन बना है वर्ड से, तो यूनिट क्या है, वर्ड, एक एक वर्ड के पीछे पढ़ो। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि पूरा पढ़ने के बाद भी समझ में ना आए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, वर्ड्स में ही इंसान फंसा हुआ है ना, तो वर्ड में आप ये सोचो कि, और आप ये सोचोगे मन में कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको किसी वॉचमैन टाइप के इंसान को एक्सप्लेन करना है जिसे कुछ नहीं आता, जूनियर है आपको पूछ रहा है, और आप उसको पूरा चैप्टर सी सिखाओ ओरली, ये ही सोच रखो, ठीक है। तो रोड मैप का ये पहला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए, मैं ये 10 मिनट से कम वाला वीडियो बना रहा हूँ, देखता हूँ अगर इस पे लोगों ने चर्चा की, कमेंट्स किया, व्यूज़ आए, 10 20 30 40 40 घंटे का व्यू वॉच टाइम हुआ, तब मैं आगे बढ़ूँ, फिर मैं और पॉइंट्स बताऊँ, और जो सवाल पूछने आपके मन में पूछते जाओ, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो, मैं अगला वीडियो तभी बनाऊंगा जब इस पे 50 आवर्स पूरे होते हैं तब, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।